Welcome to TwoCircles.net. We are speaking to Sayyeda Kausar Sultana. She is mother of Ubaidur Rahman, who has been arrested by a joint operation by Hyderabad and Bangalore police. Kausar Sultana sahib, batlaye ki jo Bangalore police ne aapke ladke pe ilzam lagaya ki wo kuch conspiracy kar rahe the Hyderabad mein, unke Bangalore se connection joda gaya. To uske baare mein aapko kya kehna hai? Galat hai. ये सब गलत है। ये बच्चा ऐसा कर नहीं सकता, मेरा बच्चा ना, वो बिल्कुल गलत है, झूठा इल्जाम है। तो मतलब किस तरह के आदमी, किस तरह के लड़के थे वे? बहुत छोटा इल्जाम है, स्टूडेंट है वो, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। कैसे लड़के थे वो? उसके जहन में, उसका ऐसा जहन ही नहीं है किसी को मारना, किसी की बुराई करना। हर एक की हमदर्दी में रहने वाला बच्चा है। आप पूरे महल्ले में मालूम कर चुके ना, और भी मजीद मालूमात कर लीजिए आप। हर एक का हमदर्द है और पढ़ने वाला बच्चा है, उसको ये सब मालूम ही नहीं है, इसको मारना उसको मारना, ये साजिश में बिल्कुल नहीं है, ये झूठा इल्जाम है। ये पुलिस वाले हम लोगों को परेशान करना, बोल के ये नहीं तो वो इल्जाम लगाते, वो इल्जाम ही होता। हमको इससे पहले भी मेरे बच्चे के बारे में साबिखा पड़ा, कितने झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो कभी वो बेंगलुरु कभी गए? कभी नहीं गया, वही कल बोली मैं सब प्रेस वालों से, कभी नहीं गया उन्हें बेंगलुरु, एक दोस्त भी नहीं है उसका। जी, तो जहन में तस्वर भी नहीं है बेंगलुरु को जाना आना हमारे। जी, तो उनका अरेस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला? वो एक पुलिस वाले के जरिए फोन करे तो मालूम हुआ, वहाँ ले गए सो नहीं, यहाँ ले गए सो मालूम हुआ, रोड पे से ले गए बच्चे। अच्छा, बाहर गया बच्चा आया नहीं। अच्छा। बहुत देर तक आया नहीं, तो हम इजी ले लिए, आते बच्चे यहाँ वहाँ जाते आते ना। बाद में 6 बजे से हम तलाश करे तो फोन बंद बताया। तो फिर हमारे एडवोकेट दामाद है, उनको बोली तो उन्होंने फोन करे तो मालूम हुआ कि पुलिस उठा ली, बगैर इतला के पुलिस उठा ली, बगैर हमको मालूम ही नहीं बच्चे को उठा लिए। तो बेंगलुरु पुलिस जो इल्जाम लगा रही है उन्हें वहाँ पर, वो बिल्कुल झूठा है, 11 अरेस्ट में उनसे यहाँ पर जोड़ रही है, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी करने के चार्जेस लगा रही है, शाबाशी मिलने को जोड़ रही है शायद। अच्छा, मगर बिल्कुल गलत है, हमारा दिल गवाह दे रहा है कि झूठा इल्जाम। अच्छा, तो उनके सेहत का ही प्रॉब्लम है। जी, तो अस्थमा का प्रॉब्लम रहता, ज्यादा किसी से मार मार लड़ना वो नहीं जानता, ये हमदर्दी के कामों में रहता, घर का बड़ा बच्चा है, जिम्मेदार है घर का, स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन कर रहा, आखिरी साल है उसका। जी, तो ऐसा बच्चा। हाँ, तो उनको बेंगलुरु की पुलिस बता रही है कि हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी है, पर आके यहाँ से दूसरे स्टेट की पुलिस आकर अरेस्ट कर ले गई, उसके बारे में आपको क्या कहना है कि सही तरीका था पुलिस का? दूसरे पुलिस गलत तरीका करी, बेंगलुरु का नामो निशान नहीं, ना बेंगलुरु कभी गया ना किसी साजिश में है। जी, ये जबरदस्ती का एक इल्जाम है हमारे ऊपर, ये इल्जाम है। मैं तो जैसा आप किसी को भी ला उनके सामने बोलूंगी, ये झूठा इल्जाम है बच्चे पे। पहले उसकी सेहत अच्छी नहीं है, और उसके साथ दवा भी नहीं है, कुछ दवा नहीं है उसके पास। जो उबैद को दूसरे स्टेट की पुलिस आकर पकड़ कर ले गई बेंगलुर की। हाँ। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि उनकी जो लाइफ प्रोटेक्शन है वो कौन देखनी चाहिए? तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती ना। जी, वो लोग बगैर इजाजत के हमको बगैर मालूम करे लेके गए, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है लाके छोड़ देना। जी, और अब ये गलत इल्जाम है उसको सबूत दिला देना, अगर ऐसा है तो हम कोर्ट से रुजू हो जाए। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है? ये डिमांड है कि बच्चे को वापस लाना। जी, हमारा ये डिमांड है, बच्चे की गलती कहीं भी नहीं है, आप लोग पूरी जगह मालूमात कर लो, बच्चा स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, उसके वो कोई कहीं गलत काम करा सो कहीं सबूत नहीं है उसका, कोई तंजीम से भी ताल्लुक नहीं रहा कभी, नहीं नहीं। तो उसको ले जाके वहाँ, वो भी बेंगलुरु में फंसा है, हम लोग इतने इस्तात वाले भी नहीं कि फौरन बेंगलुरु को जाके मिल के आना, ऐसा भी नहीं है, वो बच्चे को यही ला लेना, बस वापिस लाना बच्चे। मैं ये हुकूमत से एक बोल रही हूँ कि हमारा बच्चा हमारे शहर को आ जाना, अगर उसकी गलतियां हैं तो बताना।